एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। हम चर्चा करेंगे कोलगेट स्कैम। कोलगेट मामले में बीजेपी ने कानून मंत्री से इस्तीफा मांगा है, कहा कि इसकी जांच एसआईटी से करवाई जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सबसे पहले अरुण जेटली जी ने जो मांग की है नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, और अरुण जेटली जी ने जो कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। सरकार ये स्पष्ट रूप से चाहती है कि सच्चाई देश के सामने ना आ पाए, और इसलिए कानून की एक व्यवस्था जो अपना काम कर रही थी पीआईएल के माध्यम से, जिसमें सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट देनी थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सच्चाई न आ पाए, इसलिए उस स्टेटस रिपोर्ट को पहले इस सरकार के मंत्री देखेंगे, अधिकारी देखेंगे, पीएमओ के अधिकारी देखेंगे, उसको बदला जाएगा, उसको कमजोर किया जाएगा, और फिर एक आधी अधूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। ये जो आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, ये इस सब सच्चाई को दर्शाती है। मैं मानता हूं कि अब ये जांच सीबीआई कर पाएगी और सरकार स्वायत्त रूप से उसको करने देगी ऐसा संभव नहीं दिखता, इसलिए कोयला घोटाला जो है वो एसआईटी के हवाले कर देना चाहिए। वो एसआईटी कैसी हो, पूरी व्यवस्था को, उसमें अच्छे अधिकारी अलग अलग राज्यों से या केंद्र से उनका चयन हो, तभी सच्चाई देश के सामने आ पाएगी। और एनसीपी के नेता हैं डीपीटी त्रिपाठी, उन्होंने क्या कहा है सीबीआई के मामले पर, वो आप खुद देख लें। सीबीआई अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेगी, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत जब किसी विषय पर विचार कर रही हो तो उस पर कुछ नहीं कहना चाहिए, उनकी राय का इंतज़ार करना चाहिए। सीबीआई अपनी रिपोर्ट उनके सामने रखेगी, अगर छेड़छाड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगी, कोर्ट उसके अनुसार अपना फैसला करेगा। सभी लोग कहते हैं जब सरकार में नहीं होते तो वो कहते हैं सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, जब सरकार में होते हैं तो जो सीबीआई काम करती है वो सबने देखा है। मायावती जी ने कहा कि सीबीआई का इस्तेमाल एनडीए सरकार ने मेरे खिलाफ किया। और भाजपा के अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने सीबीआई के मिसयूज पे जो बात कही वो भी आपको हम दिखाते हैं। अब इसकी मैं जानकारी हासिल कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, आज एक रिपोर्ट आई है, उसको मैंने पढ़ा है, उस पर उस संबंध में डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद कमेंट करेंगे। ने कहा इसको अध्ययन करके इसके बारे में वो अपनी टीका टिप्पणी देंगे। गंभीर मसला है उपेंद्र जी, अगर इस बात को देखें जिस तरह से अरुण जेटली ने जिस बाबत बात कही है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट है उस पर इंटरफेयर करके उसको प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, और जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा मांगा है। अब ये तो है भ्रष्टाचार का जो आरोप लग रहा है, भ्रष्टाचार के जो मामले आ रहे हैं उसमें तो कांग्रेस की लगातार फजीहत हो रही है। मतलब ये समझिए कि फजीहत की ये अगली कड़ी है, लेटेस्ट कड़ी है फजीहत की। इसके पहले कुछ दिन पहले जेपीसी का मामला उठा था कि 2G स्कैम में जेपीसी के सामने बुलाया जाए। यशवंत सिन्हा ने 2 बार चिट्ठियाँ लिखी प्रधानमंत्री को, उन्होंने दोनों बार मना कर दिया, बोल दिया कि जेपीसी का प्रेरोगेटिव है। फिर जेपीसी का जो अध्यक्ष हैं 2G स्कैम को देखने वाले जेपीसी का, उन्होंने कहा कि नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बुलाने की, सरकार बोलते है सारे डॉक्यूमेंट से। तो उसी की अगली कड़ी है कि कोयला स्कैम। कोयला स्कैम भी जब हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ही कोयला मंत्री थे जी। वो सीधे उसके लिए कैबिनेट पोर्टफोलियो उन्हीं के पास था, और उसी समय घोटाला हुआ, ज़्यादातर जो आवंटन हुआ वो उसी के दौरान हुआ। उसके पहले शिबू सोरेन हुआ करते थे, शिबू सोरेन जेल चले गए एक मुकदमा में एडवर्ड फैसला आने के बाद, तो उनको छोड़ देना पड़ा था। जिस समय रहे प्रधानमंत्री रहे उसी समय हुआ, तो जाहिर है अंगुलियों के सामने उठ रही थी। अब ये सब जो हुआ है ये तो समझिए कि जो चल रहा है उसी की अगली कड़ी है, और ये कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज नहीं है सीबीआई के बारे में। ये है कि अपोजिशन को जो करना चाहिए था ये सब के खिलाफ, अपोजिशन उतना कर पाने में विफल हो रहा है। जिस तरह से दबाव खड़ा करना चाहिए था, अब लग रहा है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं, विपक्ष का एक बयान आता है और वो बयान जो है उसके बाद फिर अगले दिन दूसरा नया बयान, नया मुद्दा और कुछ नई बातें होती है। मैं छोटी सी 2 बात कहूंगा। आप देखें कि 2G स्कैम के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी हो रही थी,
और आप इस सरकार का जो इकबाल कह सकते हैं, विश्वास कह सकते हैं, इतना खत्म हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलगेट के मामले पे सीबीआई से सीधा ये कहा कि आप जो भी इंक्वायरी करें रिजल्ट करें वो सीधे हमें दें और सरकार को ना दिखाएं, ये उसमें मेंशन है। उसके बावजूद भी नेता किस तरीके से अपने घर बुला रहे हैं, लॉ मिनिस्टर उनको घर पीएमओ से मुलाकात की है, वही कह रहा हूं कि आप ये इस खबर में दावा ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा सरकार पे यकीन नहीं कर रही है, जबकि एक जो अंग है सीबीआई वो उसी सरकार का अंग है और उससे कहा कि आप जो इंक्वायरी करें सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा करें, उसके बावजूद भी छेड़छाड़ की गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस चीज पे उतर आए हैं कि आप हम जमीन पे गिर गए तो उन्होंने कहा कि अब चलो इससे नीचे नहीं जा सकते, वो अब गड्ढे में गिर गए, वो अब कुएं में गिर गए, तो अब आपने अपने गिरने की लिमिट इतनी नीचे कर ली है कि वो भारतीय जनता पार्टी हो या दीगर दूसरी पार्टियां हो, वो इस्तीफा मांगने के अलावा किस किस चीज पे आपसे क्या कहेंगी। रोज आप एक नया काम कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को डॉज दे रहे हैं, आप सीबीआई को फंसा रहे हैं, सीबीआई ने आपका जो अभी चंद दिन पहले, दो दिन पुरानी बात है कि किस तरह से सीबीआई का एक डायरेक्टर क्लीन चिट देता है 1984 के दंगों में, उसे आप दुनिया के सामने गवर्नर बना देते हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं कर रही सरकार के उस पे, कोई आज आपने कर दिया, छह साल हर एक घंटे बाद वो ऐसा काम कर रही है, तो उसमें कोई भी अपोजिशन पार्टी होगी वो यही कहेगी भाई हम इस्तीफा चाहते हैं, हम इस्तीफा मांगते हैं, इसकी इंक्वायरी करें, एसआईटी बनाएं। इसके अलावा वो कर क्या सकते हैं, इस देश में क्या आंदोलन करेंगे हर चीज को लेकर के। तो मेरा कहना यह है कि ये तो सरकार के ऊपर सीधी टिप्पणी है कि सरकार पे सुप्रीम कोर्ट यकीन नहीं कर रही, उसके बाद भी सरकार ने, अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो अगली टिप्पणी आएगी मैं समझता हूं वो सरकार की मॉरल जिसे इकबाल कह सकते हैं वो खत्म कर चुके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, उपेंद्र जी और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।